अस्सलाम वालेकुम कोमल, अब लगता है आपकी क्लास के लोग हैं, बाकी जो हैं वो एग्जिट हो गए हैं। वालेकुम सलाम जी सर, इसमें नादिया अल्ताफ। नादिया अल्ताफ आपकी क्लास की नहीं है, नहीं सर, इनको निकाल सर दिया गया। इससे पहले आप कोई क्लास अटेंड कर रहे थे? एक्चुअली हुआ ये है कि वो गलती से ना लिंक उधर कॉपी हो गया है, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है ना जूलॉजी के, सर उनको प्लीज थोड़ा ऊंचा बोले, आ जूलॉजी रही वाले आवाज बिल्कुल। वालों के साथ जो है वो ये मिक्स हो गया मॉर्निंग के साथ, सॉरी उसके साथ जो है इवनिंग के साथ फर्स्ट जी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ, तो जी उनको लिंक गलती से चला गया और वो ऐसे शहजादे हैं, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। वही तो मैं देख रही थी सर, ये कौन बच्चे हैं? अभी इस वक्त मेरे ख्याल में सारे आपके ही स्टूडेंट हैं। जी जी आ रही है हमारी क्लास के, उमारा फातिमा मॉर्निंग की है। ठीक है ठीक है, लेकिन अभी भी कम है, आपके लोग कहाँ गए हैं? उसमें शेयर करती है। अच्छा ग्रुप में मेरे ख्याल में मैंने भेजा है, दोबारा तो नहीं उसी में भेज दिया कि। मैंने अपने सारे ग्रुप्स पे शेयर कर दी, बॉयज वाले गर्ल्स वाले और जो हमारे ब्लिंकर रिसर्च क्लास में। सो वी वर टॉकिंग अबाउट रिसर्च डिज़ाइन लास्ट टाइम, नाउ वी हैव टू गो टू वर्ड सिलेक्शन ऑफ स्टडी डिज़ाइन। हमने देखना है कि स्टडी डिज़ाइन जो है वो कितनी टाइप्स के हैं और कौन सा स्टडी डिज़ाइन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है फॉर योर ओन स्टडी। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे
what is quantitative and qualitative research. So in case of quantitative research, we have decided already everything about that research. We have decided a topic, जैसे कि आप लोगों ने किया, we have made hypothesis, we have, and hypothesis they are based on background knowledge, and then we did we made objectives, and then we have to decide what tool we have to use in order to take data, what would be the sample size. हमने ये पहले से प्री डिटरमिंड होगा आपका कि आपका सैंपल साइज कितना होना है, पॉपुलेशन क्या होनी है, और उसके बाद आप जो है वो इसका जो डाटा आएगा उसका एनालिसिस करेंगे. सो एवरीथिंग इज प्री डिटरमिंड. सो व्हेन एंड एवरीथिंग एवरी डाटा वुड बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. सो द रिसर्च इन विच वी हैव डिसाइडेड एवरीथिंग बिफोर डूइंग रिसर्च एक्चुअली वुड बी कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव रिसर्च. तो क्वांटिटेटिव इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. Title is decided already, hypothesis is decided that we have to test, objectives are decided, and then the tools that we have to use is decided, and then the number of samples we have to take are already decided. In case of qualitative research, we have these characteristics either absent or they would be less in a qualitative research. Qualitative research is mostly is based on statements. Statements ki basis pe hogi. It is not in the form of measurable things. And then the research title is not already decided. Number of samples are not decided. What would be the hypothesis would not be decided. Objectives would not be clear or decided. दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड. वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने जो स्टडीज डिज़ाइन की हैं या कर रहे हैं उसमें आप लोग यही कर रहे हैं कि क्वान्टिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं. यू हैव डिसाइडेड योर टाइटल एवरी थिंग. बट इन केस ऑफ अ टी वी रिपोर्टर फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जाके किसी जगह पर कोई फ्लड को वो कवर कर रहा है या कोई एक्सीडेंट जो है उसको कवर करता है, तो वो क्या करता है, वो पहले जाके वहाँ उसको नहीं पता कि उसने जाके लोगों से क्या पूछना है. जो उसके पास डाटा आएगा, इट कुड बी इन नंबर्स, इट कुड बी इन स्टेटमेंट्स, बहुत सारी स्टेटमेंट्स, एंड दीज स्टेटमेंट दे वुड नॉट बी मैचिंग, एक दूसरे के साथ मैच भी नहीं कर रही होंगी, मीन देयर कंटेंट्स वुड बी डिफरेंट. तो सब लोग उसको बताएंगे एक्सीडेंट का या फ्लड का कैसे आया, कितने लोग, लेकिन हर एक की जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट होगी. सो दैट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटेटिव. इसी तरह से उसने डिसाइड नहीं किया हुआ होगा जब वो जाएगा फील्ड में कि उसको कितने नंबर ऑफ सैंपल्स चाहिए. ठीक है, वो जितने लोगों से इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी नई, वो उनसे इंफॉर्मेशन लेता जाएगा, और जब उसके पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट हो जाएगी या फिर वो समझेगा कि अब नई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो वो स्टडी को या उस ऑब्जर्वेशन को, उस डाटा को वो डिसकनेक्ट कर देगा, वो लोगों से फिर मजीद नहीं पूछेगा. तो इट मीन नंबर ऑफ सैंपल्स आर नॉट डिसाइडेड ऑलरेडी. सो इट इज़ फ्लेक्सीबल, इट इज़ नॉट कंक्रीट, इट इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड, किसी फॉर्म में नहीं है, लूज है. क्वालिटेटिव स्टडीज में दे आर लूजली बींग स्टडीड, और क्वान्टिटेटिव स्टडीज जो है दे आर फॉर्म. इनके जो है वो पैरामीटर्स हैं, इनके जो क्राइटेरिया है उनको फॉलो करना ज़रूरी है. सो हम लेटर ऑन इनको देखेंगे. सो क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन दे आर डिफरेंट. In case of qualitative study design, they are having very few characteristics that are present in quantitative study design. So because quantitative studies, they are in number, so their study designs, they are a lot of study design on the basis of various criteria. I'm dekhenge. They are very specific, they are well structured, already designed, they are tested for validity and reliability. Hame pata hai validity aur reliability kya hai. And then the research, the design, they are well defined and they are already recognized. Hum dekhte hain case mein kya hai. So in case of qualitative quantitative research, the designs, they could be classified on the basis of three criteria. Teen cheezon pe hum inko classify kar sakte hain. Ek ye ki number of contacts with the study population,
then reference period of the study, then nature of the investigation. These are the three criteria, teen cheezein hain jinki basis pe hum study design ko jo quantitative study designs hain unko hum classify kar sakte hain. So on the basis of number of contact contacts, there would be three design that are cross sectional, before and after, and longitudinal studies. And on the basis of reference period of the study, there would be again three: retrospective, prospective, and retro prospective. And on the basis of nature of investigation, there would be experimental, non-experimental, and quasi-experimental. So these are the nine study design on the basis of three criteria. तो हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टडीइंग इफेक्ट ऑफ व्हाट. फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं लाइक द ऑनसेट एज ऑफ प्यूबर्टी in boys in Rawalpindi city. ठीक है, तो आप जो है वो इनमें प्यूबर्टी डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं. एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो बॉयज में जो रावलपिंडी सिटी में रहते हैं. ठीक है, प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ हाई LH फोलिक. आपको पता है ये हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, देन इज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन इट वुड बी टेस्टोस्टेरोन, एंड देन आर दी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स. हमें पता है कि ये दे आर एक्चुअली प्यूबर्टी इज टू एक्वायर sexual maturity. So it is determined by high levels of LH, FSH, testosterone, and onset of secondary sexual characteristics. They determine puberty. Puberty itself is a concept. So these are the variable: LH level, FSH level, testosterone, secondary sexual characteristics. They are variables of this term concept that is puberty. तो अगर हमने इसको डिटरमिन करना है तो हमारे पास क्या तरीके होंगे, हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि किस एज पे बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी आती है, ये हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, कोई बता सकता है? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? एक तो हम करना हमें यही है कि हमने ब्लड सैंपल लिए हैं, उसके अंदर हम LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स देख लें. दूसरा, हम सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको मेजर कर लें कि वो अपीयर हुए हैं नहीं हुए, कितने अपीयर हुए. यस सर. ठीक है, लेकिन कैसे, क्या हमारा मेथड क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, ये बॉयज आएंगे कहाँ से, कैसे हम इनको रिक्रूट करेंगे? सर ये तो पॉपुलेशन में होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो टू दैट पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो पॉपुलेशन है, हमें पता है प्यूबर्टी जो है इट वुड अकर एट 9 टू फॉर एग्जाम्पल 11 ईयर. ठीक है, हमारा जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो कहता है 9 टू 11 ईयर के बॉयज़ में आ जाती है. सो वी हैव टू डिटरमिन वेदर इट वुड कम इन 9 टू 11 ईयर. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो टू बॉयज़. तो हमारा जो पॉपुलेशन है इट इज़ बॉयज़. ठीक है, दैट आर फ्राम फॉर एग्जाम्पल 5 टू 15 ईयर्स के जो बॉयज़ हैं, दे आर अवर पॉपुलेशन, ये हमारी पॉपुलेशन है. सो वी कैन गो टू दिस पॉपुलेशन एंड देन वी कैन टेक सैम्पल्स ऑफ बॉयज़ ऑफ एवरी ईयर. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 5 ईयर के जो बॉयज़ हैं हम उनके 10 सैंपल ले लें. ठीक है, एंड देन ऑफ 6 ईयर्स वालों के भी हम 10 लें. ठीक है, और इसके अलावा हम सो एंड सो ऑन, हम तकरीबन 15 ईयर तक हमने जो बॉयज़ हैं उनके 10 सैंपल ले लिए हर एक एज ईयर के. ठीक है, तो उसको हम 10 सैंपल जो हैं उनके हम इनके ब्लड सैंपल्स लेंगे, एंड देन वी विल टेक
वी एनालाइज LH, FSH एंड टेस्टोस्टेरोन और सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक एंड देन वी वुड डिटरमिन वेदर प्यूबर्टी वुड अकर बिटवीन दिस 9 to 11 ईयर और इट वुड गो बियॉन्ड आर कम अर्ली देन 9 years. ठीक है. तो दिस इन दिस केस वी हैड ओनली वन कॉन्टैक्ट विद दी पॉपुलेशन. हमें हमने हर एक जो सैंपल है उसके साथ एक ही कॉन्टैक्ट किया है. हमने 5 to 15 years तक के जो बॉयज़ हैं हर एक ईयर का जो 10 सैंपल्स हैं उनसे एक दफ़ा हमने ब्लड सैंपल लिया है. उसके बाद हम इसको प्लॉट कर लेंगे. हम देख लेंगे हम एज को फॉर एग्जांपल हम हॉरिजेंटल पे रखें और जो टेस्टोस्टेरोन है LH FSH है उसको वर्टिकल पे रखें तो हम प्लॉट कर सकते हैं कि किस ईयर के अंदर उसमें पीक्स आ रही हैं. तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्यूबर्टी जो है वो अपीयर होगी. फॉर एग्जांपल इट वुड बिकम लाइक दिस. ये कोई इस तरह का हम ग्राफ बना सकते हैं ना. फॉर एग्जांपल ये है देन इस 5 year age, 6 year age. फॉर एग्जांपल हम इसको शॉर्ट कर देते हैं 8 year age. Then is 9 year age and so on. So we can take age on x-axis and the we can take hormones on y-axis. ये आपको नजर आ रही है स्लाइड? पता लगे मैं खुद ही बनाता रहूँ. जी सर आ रही है. ठीक है. तो हम इसमें जो है वो इधर हम फॉर एग्जांपल दिस इज LH. ठीक है. तो हम अगर इसका ग्राफ बनाएं तो हमें ये इस तरह से नज़र आएगा. कैसे? 5 year पे फॉर एग्जांपल दी लेवल्स आर लेस. फाइव ईयर पे लेवल कम होंगे. जो जो एज बढ़ती जाएगी ये लेवल जो है ये इंक्रीज होने चाहिए. सो ये हमारा हाइपोथेसिस है. ठीक है. फॉर एग्जांपल सर ये ग्राफ थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दो प्लीज. इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हमने वो जो बॉयज लिए हैं हर एक ईयर के 10. ठीक है. उनके अंदर फॉर एग्जांपल हमने LH FSH और टेस्टोस्टेरोन को एनालाइज किया है तो हमने देखा ये जो हमारा जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे ही होना चाहिए ना कि जी. जो लेवल्स हैं फॉर एग्जांपल LH के FSH के टेस्टोस्टेरोन के दे शुड बी लेस एट 5 year एंड देन दे शुड इंक्रीज एंड एट अ सर्टेन एज दे वुड बिकम कांस्टेंट. इसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएंगे. दे वुड नॉट बी 15 पे जाके कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ये है 9 टू 11 इयर्स के दरमियान में ये प्यूबर्टी आ जाती है. सो एट दैट टाइम देयर वुड बी मैक्सिमम लेवल्स ऑफ द हार्मोन्स. फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम हो गए हैं. ठीक है. और फिर ये कांस्टेंट हो गए हैं. ठीक है. देन दे बिकेम कांस्टेंट. अब इसके बाद कांस्टेंट हो गए हैं. प्यूबर्टी में हाई होते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है एलिवेटेड रहते हैं ना. तो हमने क्या किया 5 years के 10 लोगों के हमने सैंपल लिया था उसमें एनालाइज किया LH उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया. ठीक है. फॉर एग्जांपल दे वर इन LH वाज इन नैनोग्राम पर ml और दी माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट. हम इसको कर देते हैं ये जो है ये इट इज लाइक दिस. ये जो है ये इट वाज फॉर एग्जांपल नैनोग्राम पर ml. एक्चुअली ये इंटरनेशनल मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है बट हम इसको वैसे जो है वो फॉर एग्जांपल क्योंकि कर रहे हैं सो वी सेड इट इज नैनोग्राम पर ml. तो लाइक इन 5 years इट वाज
फाइव इयर्स के जो बॉयज़ हैं उनके अंदर इसका जो लेवल है देवर फॉर एग्जांपल पॉइंट देवर 0.5 फॉर एग्जांपल देवर 0.5 एंड देन दे इंक्रीज्ड अप टू 4 नैनोग्राम पर एमएल ठीक है एंड देन इट हैज़ बिकम कांस्टेंट। तो हमने इनके अंदर एनालाइज करके उसको प्लॉट कर दिया। हमारा जो कांटेक्ट था इन सारे लोगों के साथ एक ही दफ़ा हुआ, हमने इनका एक ही सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, हमने एक दफ़ा ही इनका हाइट वेट लिया, एक दफ़ा ही हमने इनके सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक मेजर किए ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि इनके अंदर प्यूबर्टी बॉयज़ के अंदर कब आ रही है ठीक है। सो वी ओनली क्रॉस सेक्शन दी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका हमने क्रॉस सेक्शन दे लिया है, उसमें से हमने एक सेगमेंट लिया है और उसको हमने कर लिया है ठीक है। एक दफ़ा हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ स्टडी वुड बी कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल। एक और हमारे पास क्या चांस था कि हम कैसे कर सकते थे, एक और तरीका क्या था कि यही सारा काम हम ये करते कि हम 10 बॉयज़ लेते, 10 बॉयज़ हम रिक्रूट करते ऑफ इक्वल एज, फॉर एग्जांपल ऑफ 5 ईयर एज, ऑफ सेम एथनीसिटी, एवरीथिंग सेम, एंड वी वुड ब्रिंग देम टू लैब, हम इनको लैब में लाते, या फिर हम इनको पॉपुलेशन में ही अगर होते तो हम इनको फॉलो अप करते कितने टाइम के लिए, जब तक इनके अंदर प्यूबर्टी नहीं आ जाती ठीक है। हम फॉलो अप में हर साल हम इनमें से इनके 10 लोगों के जो बॉयज़ हैं उनके 5 ईयर पे हमने ब्लड सैंपल लिए, फिर हमने 6 ईयर पे लिए, फिर हमने 7 ईयर पे लिए, एंड देन पर ईयर अप टू 15 ईयर फॉर एग्जांपल हमने इनके सैंपल्स लिए, हर साल हमने सैंपल लिया और हमने हर दफ़ा इनका जो है वो जो हार्मोन्स है LHFSH टेस्टोस्टेरोन और हमने इनकी हाइट वेट और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक हमने मेजर किए। सो वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट विद दी सेम सब्जेक्ट्स दैट वुड बी कॉल्ड एज फॉलो अप और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज ठीक है, जिसमें हमारी पॉपुलेशन क्या है, दीज 10 बॉयज ऑफ 5 ईयर एज, उन्हीं से हमने दोबारा से फिर सैंपल लेते रहे। सो वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट विद सेम पॉपुलेशन दैट वुड बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अच्छा एक और तरीका ये था, एक और भी तरीका हो सकता है कि हम फॉर एग्जांपल हमारा गैस ये है कि 9 to 11 इयर्स के जो बॉयज़ हैं उनके अंदर प्यूबर्टी आती है फॉर एग्जांपल, तो हम ये कर सकते थे कि हम दी बॉयज़ अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ वुड बी रिक्रूटेड 5 to 8 ईयर के हम रिक्रूट करते, उनसे हम करते और फिर इनके अंदर जब प्यूबर्टी आ जाती 9 to 11 तो उसके बाद हम करते 12 to 13 or 15 ईयर्स तक हम इनके जो है वो 15 ईयर, तो ये जो दरमियान में टाइम है दैट वाज ऑफ प्यूबर्टी ठीक है। तो हमने इन्हीं बॉयज से 5 to 8 ईयर्स के फॉर एग्जांपल हमने 10 बॉयज लिए और उसके बाद उनमें हमने पहले सैंपल्स लिए, इनके अंदर हमने LHFSH और टेस्टोस्टेरोन को देखा और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स देखे, वेट हाइट देखा। उसके बाद जब हम इनके अंदर हमने थोड़ा टाइम इनको दिया प्यूबर्टी आने के बाद, हमने इनको डिटरमिन करने की कोशिश की 10 to 12 to 15 ईयर्स के जब ये हो गए इन्हीं 10 बॉयज़ को, दैट वुड बी कॉल्ड एज, सो वी आर नाउ डिटरमिनिंग ओनली द चेंज इन LHFSH टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक वेट एंड हाइट। So that study would be called as before and after or it could be called as pre and post test. ठीक है, यहाँ पे हम कोई intervention भी कर सकते थे अगर कोई और study हमारी होती। So this design is before and after design in which we have only 2 contacts with our population study that is under study. So if we see on the basis of number of contacts with the study population, we said it would be cross-sectional, it would be before and after, or it would be longitudinal. If we see the cross-sectional, cross-sectional is also called as one-shot or status study. हमने अभी देखा कि हमने एक दफ़ा ही cross-sectional में
सिर्फ एक दफ़ा, क्योंकि हम पॉपुलेशन के साथ इन कॉन्टेक्ट आए हैं, सो इट वुड बी कॉल्ड एज वन शॉट और स्टेटस स्टडी। सो पर्पस ऑफ दीज टाइप ऑफ स्टडीज इज लाइक योर्स, जैसे आपकी हैं, प्रेवलेंस आप कर रहे हैं सिचुएशंस, प्रेवलेंस ऑफ एनी डिजीज सिचुएशन प्रॉब्लम एटीट्यूड एंड आर इशू इन अ पॉपुलेशन। सो वी टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, वी टेक ओनली सैम्पल वंस फ्रॉम द पॉपुलेशन टू फाइंड आउट प्रेवलेंस। तो आप सब की स्टडीज तकरीबन क्रॉस सेक्शनली हैं, ठीक है, आप एक दफ़ा ही उनसे डाटा ले रहे हैं, आप उसको दोबारा उनके साथ इन कॉन्टेक्ट नहीं आ रहे। सेकेंड, द क्रॉस सेक्शन इज विद रेफरेंस टू टाइम एंड पॉपुलेशन। यू हैव वन पॉपुलेशन, यू आर गोइंग टू क्रॉस सेक्शन दैट पॉपुलेशन एट वन टाइम इंटरवल, सो इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। एडवांटेज क्या है इसके, बिकॉज इट इज़ ईजी, यू आर गोइंग टू टेक सैम्पल ओनली one time, so it would take less time and other resources, human resources, financial resources, isme kam use honge, but it has a lot of disadvantages because these type of studies they are not used to measure changes over time. ye humne dekha ki boys ke andar, jaise humne dekha ki ye jo boys hain inke andar humne jo 5 year ke ab hain unke andar humne dekha ki is waqt jo hai wo 0.5 नैनोग्राम पर एमएल उनके अंदर एलएचएफ फॉर एग्जांपल, इन्हीं बॉयज़ के अंदर हम अगले साल में नहीं देख रहे, कुछ और बॉयज़ में देख रहे हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिटरमिन चेंजेस ओवर टाइम, वी आर डिटरमिनिंग इट वंस। जैसे आप लोगों की स्टडीज़ हैं तो उसमें आप लोग प्रेवलेंस, जैसे अभी आप स्टडी करेंगे प्रेवलेंस ऑफ सर्टन डिजीज़, तो आप इसी एक टाइम के अंदर स्टडी कर रहे हैं, आप विद रेफरेंस टू टाइम के नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, वो आप नहीं स्टडी कर रहे, कितना चेंज आया ये आप नहीं स्टडी कर रहे। सो इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ दी डिसएडवांटेज ऑफ दीज क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, कि आप लंबे टाइम के लिए जो चेंजेस है उनको मेजर नहीं कर सकते। सर ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इसको, कांस्टेंट मीन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यूज हो सकेगा, ये आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही कर सकते हैं, ठीक है। सो एडवांटेज इसका ये है कि ये इजी है, क्योंकि आपको टाइम भी कम लगता है और आपका जो है वो रिसोर्सेज भी कम लगते हैं, इजी भी है, ठीक है। देन वी हैव अनदर दैट वी कॉल्ड एज बिफोर एंड आफ्टर स्टडी, बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्री पोस्ट और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडीज। सो इन दिस केस इफ वी हैव एट लीस्ट टू कॉन्टैक्ट्स विद पॉपुलेशन विद अ सेम पॉपुलेशन ओवर डिफरेंट टाइम्स, देन इट वुड बी कॉल्ड एज before and after studies. So these before and after studies, they help to determine a change in situation, in phenomena, in any issue, problem or attitude over time. So it help us to, because we are taking sample from two different times from same population, so it would help us to find out the effectiveness of programs. Programs could be a medical program, could be a educational program, could be any social program, training program, kuch bhi ho sakta hai, it could be any effectiveness of any medicine, any intervention, koi bhi intervention ho sakti hai, theek hai, uska effect jo hai wo find out karne mein ye hame help karta hai, because we are going to take two sets of cross sectional studies on same population. hum do cross sectional study kar rahe hain, ek intervention se pehle aur ek intervention ke बात, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज टू क्रॉस सेक्शनल स्टडीज व्हेन वी डू ऑन सेम पॉपुलेशन इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, देन इट वुड बी कॉल्ड एज अ बिफोर एंड आफ्टर स्टडी। जैसे हमने इससे पहले कहा कि स्मोकिंग का इफेक्ट हम कह रहे थे कि हीमोग्लोबिन पे, सो हम उसमें ये कर सकते थे कि कुछ लोगों को लें और उनको हम जो नॉन स्मोकर्स हों उनको हम पहले उनके हीमोग्लोबिन टेस्ट करें, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उनको स्मोकिंग करवाएं और उसके बाद फिर हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करें। दैट इज़ कॉल्ड एज बिफोर एंड आफ्टर। आप लोगों की क्लास है, क्लास लेने से पहले आपसे एक क्वेश्चनर फिल करवाया जाए कि आपको रिसर्च के बारे में क्या पता है। जब क्लासेस हो जाए, एग्जाम जैसे होता है, तो उसमें हमें पता चले कि आपने अब क्या सीखा है, तो दोनों को कंपेरिजन कर लें, दैट वुड बी बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज। तो जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें यही होता है कि उसमें एक प्री टेस्ट करते हैं,
आपको एक क्वेश्चनियर देते हैं, वही क्वेश्चनियर जब आप कर चुके हैं ट्रेनिंग, उसके बाद आपको देते हैं कि आपने कितना चेंज आया, ठीक है, आपने क्या लर्न किया, दैट वुड बी द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम. तो सो एडवांटेजेस आर दैट इट मेजर्स चेंजेस ओवर टाइम. आपको पता चलता है किसी चीज़ का, किसी प्रोग्राम का, किसी मेडिसिन का, किसी इंटरवेंशन का इफेक्ट क्या है, बिकॉज यू आर टेकिंग सैंपल एट टू डिफरेंट टाइम्स, बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन. सो डिसएडवांटेजेस आर अगेन अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव विद रेफरेंस टू टाइम एंड रिसोर्सेज, क्योंकि आप दो दफ़ा सैंपल ले रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, रिसोर्स ज़्यादा लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स वो ज़्यादा लगेंगे. इसके अलावा देयर आर चांसेस ऑफ सैंपल विदड्रॉल्स और चेंजेस. आपने फॉर एग्जांपल रिक्रूट किए 10 लोग, उनको आपने स्मोकिंग करवाई, उससे पहले हीमोग्लोबिन उनकी टेस्ट की, फिर स्मोकिंग करवाई, उसके बाद आपने उनको टेस्ट करना है हीमोग्लोबिन का, तो हो सकता है कुछ लोग रिफ्यूज़ कर दें कि हम दोबारा सैंपल नहीं दे रहे, कुछ लोग वैसे ही छोड़ के चले गए, ठीक है. सो इन केस आप बिफोर एंड आफ्टर आप कोई वर्कशॉप करवा रहे हैं, आपने प्री टेस्ट तो फिल कर लिया लेकिन पोस्ट टेस्ट के लिए बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वर्कशॉप में वो चले गए, ट्रेनिंग से चले गए. सो आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं, हार्ट की मेडिसिन कोई आप टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने बिफोर उनसे सैंपल ले लिया लेकिन जब आप गए तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई. आपने रैट्स रखे हुए हैं लैब में, तो जब आपने प्री सैंपल उनसे ले लिए लेकिन ट्रीटमेंट दी, या तो ट्रीटमेंट की वजह से या किसी और इशू की वजह से उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो फिर ये आपका इशू होता है बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज़ में. ये इशू आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी में नहीं था, ठीक है. इसी तरह से एक्सट्रीनस वेरिएबल आर प्लेइंग देयर रोल, बिकॉज इन दिस केस द एक्सट्रीनस वेरिएबल दे वुड बी मोर. फॉर एग्जांपल आपने जब किसी हार्ट पेशेंट को मेडिसिन दी पहले, तो उस वक्त जो है वो आपका प्री टेस्ट से पहले आपने उसका अगर कोई पैरामीटर्स डिटरमिन किए हैं, तो जो एनालाइजर था जिसने सैंपल लिए हैं वो कोई और पर्सन था, लेकिन आपने 6 मंथ के ट्रेन उसको मेडिसिन का कोर्स करवाने के बाद जब आपने दोबारा एनालिसिस किए तो उस वक्त कोई और प्रैक्टिशनर था, तो उसकी वजह से देयर वुड बी चेंजेस इन दी रिजल्ट. आपके जो पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से, कोई जो वेरिएशन हैं उनकी वजह से चेंजेस आ सकती हैं. इसके अलावा टाइम की वजह से आ सकती है. फॉर एग्जांपल आपने जब ट्रीटमेंट शुरू की थी उस वक्त आपने जब प्री टेस्ट किया है उस वक्त जो है वो विंटर सीजन था, जब आपने पोस्ट टेस्ट करना है उस वक्त अगर समर सीजन है तो देयर वुड बी डिफरेंस. तो एक्सट्रीनियस वेरिएबल इसमें ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन टाइम. आप दो डिफरेंट टाइम्स के अंदर क्योंकि कर रहे हैं तो टाइम अपना रोल वैसे ही प्ले करता है, ठीक है. स्पेसेस की वजह से, लोगों की वजह से, जो लोग हैंडलर्स हैं उनकी वजह से भी इश्यूज हो सकते हैं. देन देयर कुड बी रिएक्टिव इफेक्ट्स ऑफ प्री टेस्ट. रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ प्री टेस्ट मीन पीपल दे, इफ यू आर यूजिंग अ क्वेश्चनियर फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं कोई, तो लोग जो है वो प्री टेस्ट से सीख जाएंगे, उनमें के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगी प्री टेस्ट उन्होंने क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ होगा, तो जब वो पोस्ट टेस्ट पे वो क्वेश्चनियर फिल करेंगे तो उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे. वो जो आपको अपने रिस्पॉन्सेज देंगे वो फेयर नहीं होंगे. देन देयर वुड बी दैट बायस होंगे. सो इन केस ऑफ बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज दे ऑल्सो डजंट tell about the do not tell about the changes over longer time of period. ye sirf do points ke darmiyan mein aapko batata hai ki isse pehle aur iske baad kya changes aayi hain, lekin lambe time ke liye nahi batayega, theek hai. so then we have longitudinal study design. longitudinal jo hai wo slide yahan se kahi miss ho gayi hai. so longitudinal mein kya hota hai, they are we have more than 2 contacts with the study population. so purpose again of the longitudinal study design is to determine a change in situation or phenomena, issue or problem or attitude over longer time period. so it would help us to determine the trends. ye hame trend find out karne mein help karta hai. aapne kabhi padha climate or weather, weather kya hota hai? ji sir, वेदर क्या होता है सर? जो कंडीशन होती है किसकी? किस
किसी भी खास एरिया की कौन सी कंडीशन वो वेदर किसी एरिया के अंदर हमें पता है कि प्रेसिपिटेशन उसके अंदर जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एयर प्रेशर ये सारी चीज़ें जो हैं दे मेक वेदर इफ दे वी डिटरमिन देम फॉर अ शॉर्टर टाइम ठीक है तो अगर हम वेदर पे किसी चीज़ का इफेक्ट देखते हैं तो वी वुड सी बिफोर एंड आफ्टर थ्रू बिफोर एंड आफ्टर स्टडी वी हैव अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट क्लाइमेट क्या होती है ठीक है तो ये आप कह लें 5-10 साल का जो है वो अगर हम डिटरमिन कर रहे हैं देन इट वुड बी कॉल्ड एज क्लाइमेट ठीक है सो द क्लाइमेट अगर हमने उसके अंदर चेंजेस देखनी है तो देन वी हैव टू स्टडी इट फॉर द कंडीशंस ऑफ ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एयर प्रेशर एंड एवरीथिंग फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड सो दे वुड टेल अस अबाउट द ट्रेंड्स क्या ट्रेंड है ठीक है सो इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज वी हैव more than two contexts with population and it tells about trends of any variable in jo hamari study hogi usme kisi variable ka trend ye hame batayega theek hai so advantages of longitudinal studies are that they measure changes or effect or impact of certain things over very long period and then disadvantages are same as that of before and after studies they would be very expensive because you have a lot of contacts with your population you have to take samples and then analyze them it would take longer time climate ko study karne ke liye aapko 10 saal chahiye weather ko study karne ke liye aapko 2 saalon mein bhi aapko uska data collect karke study kar sakte hain balki 1 saal mein kar sakte hain so sample withdrawal or exchange or change would be more in case of longitudinal study usme 10 saal mein zahir hai bahut sare patient ki death ho sakti hai usme bahut sare log withdraw kar sakte hain isi tarah se extraneous variable would be more kyunki aap longer time period pe kar rahe hain to usme jo hai wo har dafa koi environmental changes aayenge jo factors aayenge unki wajah se hamari jo hai wo study us pe effect hoga isi tarah se jo hai wo अगर आप कोई क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं तो 10 दफ़ा अगर कोई फिल करेगा तो वो ज़ाहिर है उसको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे चाहे आप चेंज करें नंबर उनके इधर उधर कर दें इवन देन जो है वो मिक्सअप करें तब भी उसको याद हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं तो वो उसमें रिफ्लेक्शन आएगी ठीक है सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज दे आर वेरी एक्सपेंसिव बट दे वुड बी मोर बेनिफिशियल विद रेफरेंस टू देयर डाटा क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए चेंज को बताएंगी किसी मेडिसिन का इफेक्ट 10 साल के लिए आप स्टडी कर सकेंगे किसी पर्सन पे विटामिन डी फॉर एग्जांपल 50 सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं